ओम शांति। हम सभी महान आत्माओं ने इस सृष्टि पर अवतार लिया है, शिव बाबा के साथ साथ यहाँ संपूर्ण शांति स्थापित करने के लिए। भगवान जब इस धरा पर शांति स्थापित करने के लिए अवतरित हुए तो उसने अपनी शिव शक्ति सेना को भी ये सब पावर्स दे दी। चलो तुम भी मेरे साथ नीचे और चलकर विश्व में शांति का स्थापना करो। तो पवित्रता का सुंदर पाठ सिखा दिया। हम सभी को आज ये स्मृति रहे, मैं इस धरा पर अवतरित हुई हूँ विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, इसलिए मुझे कभी भी अपने चित्त को अशांत नहीं करना है। जितना हम अशरीरीपन की अवस्था में रहेंगे, जितना अपने मन के विचारों को शांत रखेंगे, जितने सुंदर विचार अपने मन में क्रिएट करेंगे, उतनी ही शांति हमसे चारों ओर फैलेगी। सचमुच संसार को आज इसकी ही आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य का चित्त अशांति की अग्नि में जलना चाहता है, काम वासनाओं की अग्नि में भी, जैसे ये संसार अब भस्मीभूत हुआ चाहता है। तो चलें हम सभी अपने महान कर्तव्य को याद रखते हुए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं। आज सारा दिन एक बहुत सुंदर अभ्यास हर घंटे में एक बार हम सभी करेंगे। सबसे पहले हम फील करें, मैं फरिश्ता उड़कर पहुंच गया सूक्ष्म लोक में, जहां ब्रह्मा जो मेरी माँ है मुझे प्यार से बुला रही है। हम दोनों आमने सामने, बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं और फिर हम बाबा के हाथ में हाथ लेकर कुछ क्षणों के लिए जरा रास करें, उसे गले मिलें, उसकी गोद में आ जाएं, उसके प्यार की फीलिंग करें, महसूस करें बाबा हमारे सिर पर हाथ घुमा रहा है। अब एक दूसरा सीन देखें कि यहीं से बाबा हमें इशारा करते हैं, बच्चे देखो नीचे वो तुम्हारा शरीर, जाओ उसमें प्रवेश कर लो। और मैं चमकती हुई आत्मा उड़ती उड़ती नीचे आकर अपने इस देह में प्रवेश कर लेती हूँ, भकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। कुछ क्षणों के बाद बाबा इशारा करते हैं बच्चे वापिस, और हम पुनः बाबा के सामने वतन में पहुंच जाते हैं। और फिर कहते हैं ऊपर देखो वो तुम्हारे डैडी, ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, जिसने वरदानों से तुम्हें भरपूर किया है, जाओ उसके पास बैठ जाओ। और मैं आत्मा उड़ती उड़ती चली जाती हूँ सर्वशक्तिवान के पास। बस एकदम जैसे उसको टच कर दिया, उसकी सारी शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। कुछ देर के बाद फिर बाबा इशारा करते हैं बच्चे वापिस, और मैं वहां से उड़ती उड़ती फिर से अपने सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर में आ गई, मैं फरिश्ता हूँ। अब बाबा हमें कहते हैं बच्चे चलो हम और तुम दोनों इस संसार को शांति के वाइब्रेशंस दें, क्योंकि हमारा कार्य संसार में शांति को स्थापित करना है। अब हम देखते हैं दोनों बाबा के मस्तक से भी और मेरे मस्तक से भी शांति की किरणें निकल रही हैं, और नीचे ग्लोब है, सारा संसार है, उस पर पड़ रही हैं। विजन देखें, संसार की अनेक आत्माएं ऊपर की ओर निहार रही हैं कि ये शांति के वाइब्रेशंस कहाँ से आ रहे हैं। उनके चित्त शांत होते जा रहे हैं, वे धन्य धन्य हो रही हैं और अपने परम पिता को सच्चे मन से शुक्रिया अदा कर रही हैं कि आपने आकर हमें सच्ची शांति दी। उन्हें फरिश्ते भी दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा है कि ऊपर से शांति की शक्तिशाली तरंगे उन पर पड़ रही हैं। आज सारा दिन प्रति घंटे एक बार ये अभ्यास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।